बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब वर्ल्ड में आप सबको वेलकम। तो जॉब वर्ल्ड के चैनल पर आपके साथ जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं, जॉब से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड या कोई भी अपडेट हो, तो यहाँ पर चैनल पर आपके साथ शेयर की जाती है। तो आज के स्टूडियो में आपके साथ जिस टॉप इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, वो पाकिस्तान बैतुल माल की जॉब है। पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से जो है लेटेस्ट जॉब की जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है, जिसमें जो है पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एजुकेशन है वो भी इनका कम रिक्वायर्ड है। यहाँ पर मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे इनके सैलरी पैकेजेस हैं और यहाँ पर ऑल ओवर पाकिस्तान से जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान बैतुल माल की जॉब ओपन हो जाएगी, जहाँ पर जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं जॉब से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड या कोई भी लेटेस्ट अपडेट को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आप जो है यहाँ पर बैतुल माल की जॉब देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने सर्च बार में जो है बैतुल माल जॉब्स लिखेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह के बाद जो है स्पेसिफिकली बैतुल माल की जितनी भी अब तक की अपडेट्स आई हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो पहला लिंक आपके सामने शो हो रहा है वो 470 पाकिस्तान बैतुल माल जॉब्स 2021 लेटेस्ट जो है शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 470 प्लस जो है जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। तो इसकी मजीद डिटेल्स हम देखते हैं। यहाँ पर जो है इसकी तमाम जो है पोस्ट मेंशन है, जिसमें असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, और इसके अलावा अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर पाकिस्तान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पब्लिश डेट 14 अगस्त है, जबकि इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 27 अगस्त 2021 है। 470 पोस्ट है, यहाँ पर पोस्ट नेम मेंशन है, ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर इनकी मेंशन है, जिस पर आप क्लिक करके जो है पाकिस्तान बैतुल माल के ऑफिशियल जो है वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर जो है नीचे इनकी जो है ऑफिशियल जो है एडवर्टाइजमेंट शो है, यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट से जो है इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसा कि अगर हम फर्स्ट पोस्ट की बात करें, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है, जो कि BPS 16 स्केल की जॉब है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 6 हैं, और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 25 साल तक के जो है कैंडिडेट्स आइदर मेल और फीमेल दोनों इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीजनल कोटा की बात कर लेते हैं, मेरिट की 1 सीट है, पंजाब की जो है यहाँ पर टोटल 3 सीटें हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है और बलोचिस्तान की यहाँ पर 1 सीट है। अगर हम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन आप वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इधर के आपने टेक्सटाइल डिवीजन के साथ किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 100 वर्ड पर मिनट जो है स्पीड शॉर्ट हैंड टाइपिंग की रिक्वायर्ड है। और अगर जो है कैंडिडेट के पास जो है डिप्लोमा है कॉमर्स का या सर्टिफिकेट है कंप्यूटर साइंस के, तो यहाँ पर वो है प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, जो कि BPS 14 स्केल की जॉब है, और यहाँ पर इसकी 34 सीट जो है अनाउंस की गई हैं, जिसमें जो पंजाब की यहाँ पर 24 सीटें हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 8 है, जबकि KP यहाँ पर 2 सीटें हैं। यहाँ पर जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस की, सेकेंड डिवीजन आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड जो है यहाँ 10,000 की जो है डिप्रेशन पर और डाटा एंट्री के यहाँ पर रिक्वायर्ड है, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट जो है रिक्वायर्ड है, और साथ ही साथ 2 ईयर्स का जो है रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है, जिसकी यहाँ पर जो है BPS 11 स्केल की जॉब है, और इसकी यहाँ पर 16 सीटें जो अनाउंस की गई हैं। 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की यहाँ पर 9 सीटें हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 2 है, बलोचिस्तान की 2 है, KPK की यहाँ पर 2 है और सिंध की 1 है। इंटरमीडिएट भी सेकेंड डिवीजन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ कंप्यूटर लिटरेट होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर जूनियर क्लर्क की पोस्ट है, जो कि यहाँ पर जिसकी 65 सीटें जो है अनाउंस की गई हैं। 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी जो भी पोस्ट है उन सबका जो एज क्राइटेरिया वो 18 से 25 साल ही है। तो यहाँ पर हम जूनियर क्लर्क की बात कर रहे थे, इसकी यहाँ पर 65 सीटें हैं, पंजाब की यहाँ पर 19 सीटें हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 6 है, KPK की 6 है, यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की 13 सीटें हैं, जबकि बलोचिस्तान की 21 सीटें अनाउंस की गई हैं। मैट्रिक भी सेकेंड डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूटर लिटरेट होना यहाँ पर ज़रूरी है। इसके अलावा बेसिक जो है IT ट्रेनिंग कोर्स जो है वो भी इसमें रिक्वायर्ड है MS ऑफिस का। नेक्स्ट यहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर की पोस्ट है, जिसकी यहाँ पर जो है 2 सीटें अनाउंस की गई हैं, और ये दोनों जो है ICT इस्लामाबाद की पोस्ट है, इंटरमीडिएट सेकेंड डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट है, जो कि यहाँ पर 19 सीटें अनाउंस की गई है, पंजाब की यहाँ पर 12 है, सिंध की 2 है, गिलगित बल्तिस्तान की 3 है और KPK की यहाँ पर 2 है। मिडल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ LTE लाइसेंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्पैच राइडर की पोस्ट है, जो कि यहाँ पर मुल्तान और इस्लामाबाद के लिए है स्पेसिफिकली, और जिसकी यहाँ पर टोटल 3 सीटें हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर की पोस्ट है, जनरेटर ऑपरेटर की पोस्ट है, यहाँ पर आप उनका बाकी भी क्राइटेरिया देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नाइट का
यहाँ पर जो है इसकी 131 जो है पोस्ट अनाउंस की गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 48 सीट्स हैं, इसी तरह आजाद जम्मू कश्मीर की यहाँ पर 8 सीटें हैं, सिंध की 22 हैं, और यहाँ पर कैदा डिस्ट्रिक्ट के नेम भी मैंशन है। केपीके की यहाँ पर 24 सीटें हैं, बलोचिस्तान की 16 हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान की 13 सीटें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट हैं जो कि 174 सीट्स अनाउंस की गई हैं। पंजाब की यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 सीटें हैं, और सिर्फ की 1 है, गिलगित बल्तिस्तान की 2 है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है स्वीपर की पोस्ट है, यहाँ पर जो है पंजाब और इस्लामाबाद की यहाँ पर जो है 6 सीटें अनाउंस की गई हैं। बलोचिस्तान का सीटों का जो कोटा है वो 1 है, और गिलगित बल्तिस्तान की 2 सीटें हैं। मिडल विद इन रेलिवेंट फील्ड एक्सपीरियंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे जो है शेयर किया गया है कि किस तरह से जो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है लिंक आपको एक नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर जो आपको इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई का क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपको आपको पोस्ट नेम मैंशन करना है। लेट सपोज आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो आपकी कैंप का NIC आएगा, यहाँ पर नेम आपको मेंशन करना है, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, इसके अलावा डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल, इसके अलावा मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एक्स्ट्रा जो आपको अपने फादर का या मदर का यहाँ पर ऐड करना है, या घर का नंबर, इसके अलावा यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। डिसेबिलिटी अगर किसी तरह की है और नेचर ऑफ डिसेबिलिटी वो भी आप यहाँ पर मैंशन करेंगे, और यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर प्रोविंस का और यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट का। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन करनी है, डिग्री टाइटल मेंशन करना है, पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी बोर्ड और डिग्री है। यहाँ पर जो है आपको जो है लास्ट जो है डिग्री आपकी मेंशन करनी है। लेट्स सपोज अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो लास्ट यहाँ पर आप अपने बी ए बी एस सी या बी एस सी जो है तमाम डाटा जो है इनपुट करेंगे। अगर आप इंटर आपने किया हुआ है, लास्ट जो आपकी डिग्री इंटर है, तो यहाँ पर आप सारा इंटरमीडिएट का जो है डाटा पुट करेंगे। यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है कि ओनली लास्ट रेलिवेंट डिग्री। नीचे जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास किसी किस्म के रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा है तो यहाँ पर आपको मेंशन कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड, जितने भी डिप्लोमा अगर आपने कोई किए हैं तो यहाँ पर आप उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लिखना है, ड्यूरेशन, इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा यहाँ पर कंप्लीशन ईयर आपको मेंशन करना है। उसके बाद रेलिवेंट एक्सपीरियंस, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर उससे रिलेटेड आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको वो मेंशन करना है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपको मेंशन करना है, पीरियड इन ईयर एंड मंथ जितना टाइम आपने जो है जॉब की है, और जिस डेजिग्नेशन पर आपने जो है जॉब की है वो, और यहाँ पर आ जाएगा गवर्नमेंट सबमिट, अगर आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है अपना प्रेफर्ड स्टेशन यहाँ पर मेंशन करना है, जो कि इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर आप इजीली जो है टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी यहाँ पर चूज नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर सर्टिफाइड का इसको क्लिक करके तब आप सबमिट कर देंगे। इस दफ़ा इसे रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसे बाद में चेंज करने के आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करके जो है आपका इजीली जो है पाकिस्तान बैतुलमाल की जॉब के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट जो क्या आपके साथ शेयर की। मजेदार इसी तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए जॉब कट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्द मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।